देखकर अनजान बनना कायरता का प्रतीक है, दूसरों के दुख में हंसना अभद्रता का प्रतीक है। अभद्र इसलिए कहा क्योंकि हम खुद से कमजोर को कुचल देते हैं, उसके साथ न जाने क्यों छल करते हैं। शायद जलन है हमें उनके कौशल पे, क्योंकि असंतुष्ट हैं हम अपने हाल पे। ध्यान कहाँ है हमें हमारी चाल पे, सुकून से जीने की चाह पूरी नहीं होती। रेलगाड़ी जैसी जिंदगी सीधी चले ये जरूरी नहीं होती। चाहते खत्म हो जाए इंसान की ये संभव नहीं है। अभाव से उभरना इंसान के लिए असंभव भी नहीं है। उभरते उभरते इंसान सच की राह छोड़ देता है, उसे खुद नहीं पता कि वो किस ओर चल पड़ता है। रिश्तों में उलझा इंसान कभी रिश्ते बचाता है तो कभी रिश्ते बनाता है। दुर्बलता को छिपाने के लिए झूठ बेहतराता है। जिंदगी की परीक्षा में सफल होना आसान नहीं है। चोरी कर समस्या को पार करना ये कोई समाधान नहीं है। रहस्य को रहस्य ही रहने दो, उसी में भलाई है, क्योंकि रावण की मौत का कारण उसका भाई है। जेब मोटी करने के पीछे ईमान छोटा हो जाता है। छोटा क्या, असल में ईमान ही बिक जाता है। पैसों से चीजें खरीदी जा सकती हैं और ठोकरों से तजुर्बे लिए जा सकते हैं। दुख में अगर हिम्मत दोस्त बन जाए तो वो दुख के पल खुशियों में बदल जाते हैं। माँ बाप के सानिध्य में रहकर हम मुश्किलों में भी संभल जाते हैं। सुई का काटा अब मुझे बचपन की याद दिलाता है। एकता तो सिर्फ मुझे अब बच्चों में ही नजर आता है। खुदा का पता क्या चला किसी को, मरते वक्त जब खून की जरूरत होगी तो कहोगे कि ना तुम ना मुझे खून दो। अगर कोई पसंद आ जाए तो उस पे प्यार जताओ हक नहीं। अगर सच से किसी को आहत पहुंचती है तो फिर झूठ बोलने में कोई हर्ज नहीं। हमारी खुशी के लिए वो दिखावटी खुशी लेकर जी रहा, हमारे ऐशो आराम के लिए वो हर मौसम से है लड़ रहा। खौफ से हमारी रात ना बीते, पर एक माँ को डर है कि उसके बेटे का उससे हाथ ना छूटे। यहाँ सैनिक की मैं बात कर रहा, उनके बलिदानों को मैं याद कर रहा। सोच रहा कि मैं कितना स्वार्थी हूँ, देश की तरक्की में रुकावट के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। धन की ज्यादा चाह है, ज्ञान की यहाँ क्या मांग है। अगर मांग होती तो शिक्षा पैसों से नहीं तोली जाती, पैसों के आगे शिक्षा नहीं बेची जाती। मानता हूँ 20 साल का लड़का हूँ, दुनियादारी में मैं कच्चा हूँ, पर गर्व है मुझे इस बात पे कि मैं अपने कर्म के प्रति सच्चा हूँ। साइनिंग आउट, पीस, बी हैप्पी।